पार्थ, गुड आफ्टरनून बेटा। फाइन। गुड आफ्टरनून। लेट अस फिनिश द ज्योग्राफी चैप्टर और कंटिन्यू विद सिविक्स लाइक वी डिड यस्टरडे। मैम सिविक्स। फाइन। सो यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट ऑल वी डिड यस्टरडे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। We read the horizontal and vertical government, and then the other two, and then yes, ma'am. And then we have started the for the Belgium population. Okay. Part. Fine. Just a second, let me take everyone in. दिक्कत नहीं होगी किताबों में लिखने में। फाइन। व्हाट एल्स वी डिड। मैम वी हैव जस्ट स्टार्टेड द पैरा। मैम वी हैव जस्ट स्टार्टेड द चैप्टर। We started the chapter, no? But exactly, अच्छा ठीक है, Belgium I explained you, I explained you about the ethnic composition of both the countries, right? Right? Kushagra? Yes. Yes, ma'am. Very good. When we have started the Belgium story. Okay, I started the Belgium story. So let me... एक मिनट ये क्या कर रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू शेयर। What is gone wrong? Just a second. Just a minute. I am sharing the screen, okay? Can you see the screen, class? Yes, ma'am. Fine. I think yesterday we did this much, right? Humne Belgium. Can you see the screen, class? No, ma'am. Now? No, ma'am. Now is it showing or not? No, ma'am. How is it possible it is showing?
What has gone wrong? I don't understand. Now, can you see the screen, class? No, ma'am. No, ma'am. Kya problem ho rahi hai ye? But on the screen it is showing. Just a second, huh? Now can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Technical things, no, actually. Fine. Now see, yesterday I told you about the ethnic composition of the country. I told you that Belgium as a whole country, Dutch were more. This thing is clear and understood to you, know, this ethnic composition of Belgium city and Brussels, Belgium country and Brussels city. Yes, ma'am. Fine. Now coming to Sri Lanka. Now Sinhalas, which were there in the country, they were 74%. Right, which was quite a high number. Christians were 7%. Sri Lankan, the Tamils which were there, they were 18%. Fine. Sri Lankan Tamils were 13% and Indian Tamils were 5%. Clear? Clear, class? Yes. Yes, sir. Yes, ma'am. प्रॉब्लम कहाँ पे बढ़ती है बेटा? प्रॉब्लम ये होती है कि श्रीलंका जो है, अब इतना आप लोग को अच्छे से सबको क्लियर हो गया ना, 74% सिन्हालास जो कि मेजोरिटी कम्युनिटी हो गई कंट्री में, ठीक है, 18% ऑफ तमिल्स जिनमें कि श्रीलंकन तमिल्स थे और इंडियन तमिल्स थे. नाउ ये तमिल्स में श्रीलंकन और इंडियन तमिल्स ऐसा क्यों सेग्रीगेशन करा गया है? ये ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो तमिल्स थे जो ओरिजिनली विच वर द इनहेबिटेंट्स ऑफ श्रीलंका. राइट बेटा, क्लियर? इतना क्लियर हुआ? Yes. और जो इंडियन तमिल्स थे, दीज वर दोज पीपल हु माइग्रेट, हुज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड सेटल्ड इन श्रीलंका. अब वो विलिंगली तो सेटल नहीं हुए थे, हमें पता है श्रीलंका जो थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी. इंडिया वॉज ऑल्सो कॉलोनी एट दैट टाइम. तो इंडिया जब आजाद हुआ ब्रिटिश कंट्रोल से, उससे पहले, सॉरी, श्रीलंका जब जो है फ्री हुआ ब्रिटिश कंट्रोल से, उससे पहले क्या था? उससे पहले जो है जो ब्रिटिश जो थे वो प्लांटेशन वर्किंग के लिए, या जो टी गार्डन्स होते थे, या जो आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स को पे काम करवाने के लिए उनको लेबर की जरूरत बहुत ज्यादा होती थी. तो दे यूज टू टेक यू नो इंडेंजर्ड लेबर्स फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज. तो श्रीलंका में भी उन्होंने यही प्रैक्टिस करके रखी हुई थी. इवन जो डच जो जावा वगैरह पे रूल करते थे इंडोनेशिया में, उन्होंने भी यही प्रैक्टिसेस करी थी. वो भी जो है लेबर्स को बाहर लेके जाते थे, बाहर की कंट्रीज में, ताकि वो प्लांटेशन एरियाज में उनसे काम करवा सके. तो ये इंडियन तमिल्स वो थे जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, बट देयर फोर फादर्स सेटल्ड इन श्रीलंका बिकॉज दे वर ब्रॉट बाय ब्रिटिश इन द कंट्री. ये क्लियर हुआ सबको? यस. वंशराज गिल, बेटा कैमरा ऑन नहीं है बच्चे आपका. चलिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको ये? यस मैम. फाइन. यस. अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जो, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और रह गई है. जो तमिल्स थे वो तीन तरीके के रिलीजन को फॉलो करते थे. इनमें से कुछ हिंदूज थे, कुछ मुस्लिम्स थे और कुछ क्रिश्चियंस थे. ठीक है, राइट? यस मैम. यस.
अब ये जो yes, ma'am. ये जो हिंदूज मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस थे, अब ये यहाँ पे रिलीजन रिलीजन को लेके भी प्रॉब्लम हो गई और बाकी चीजों को लेके भी परेशानी हो गई थोड़ी. ठीक है, राइट. चलिए, अब प्रॉब्लम क्या हुई बेटा कि ये दोनों कंट्रीज हमने आपको बताया था, दीज वर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. ठीक है, पावर शेयरिंग यहाँ पे भी थी, पर अब प्रॉब्लम क्या हुई पावर शेयरिंग में, जो हमारा जो ये श्रीलंका था, श्रीलंका में पावर शेयरिंग जो थी वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया गया. ठीक है, जो सिन्हालास को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया गया कंट्री का. क्यों? क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी थी, पावर में आ गई. अब जब वो पावर में आई 1948 में, जब श्रीलंका आजाद हुआ. ठीक है, श्रीलंका को का पुराना नाम क्या है आपको पता है? श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था. ठीक है, ये बाद में इसका, हाँ, बाद में इसका नाम चेंज होके श्रीलंका पड़ा था. तो श्रीलंका 1948 में जब वो ब्रिटिश कंट्रोल से फ्री हुआ, जब वो इंडिपेंडेंट हुआ, तो वहां पे इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में सिन्हालास जो थे वो जो है पावर में आ गए. ठीक है, अब जब सिन्हालास पावर में आ गए तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिटी 74% थे, जीतना तो इन्हीं को था. ठीक है, ये लोग जब पावर में आए तो इन्होंने क्या करा, मेजोरिटेरियनिज्म को जो है फॉलो करा, मेजोरिटी के रूल को फॉलो करा. भाई कोई कोई लोग जो ज्यादा नंबर में होते हैं, हमेशा क्या होता है, देखो जैसे इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं. लोकसभा में, जब लोकसभा राज्यसभा में मेंबर्स ऊपर नीचे हैं, राज्यसभा में 200 समथिंग है, 250 मेंबर्स हैं कि 248 है? 250 मेंबर्स है ना? यस मैम. और लोकसभा में कितने हैं? 450, राइट? 450 है. बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है ये, है ना? तो पर अब इस वेरिएशन का क्या फायदा होता है, लोकसभा में जब भी राज्यसभा से कोई डिसकंटेंटमेंट आता है तो लोकसभा में उसके अगेंस्ट जो है वोटिंग होती है और हमेशा लोकसभा के मेंबर्स जीतते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज्यादा है, उनका नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो ज्यादा है उसमें. ठीक है, इतना क्लियर? हाँ. अब दूसरी चीज, हाँ, अब ये हुआ कि भाई 1948 में ये लोग बने तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है मेजॉरिटी रूल की जो है उसको फॉलो करा. ठीक है, अब मेजॉरिटी रूल क्या था कि भाई इन्होंने जो भी प्रोविजंस बनाए गवर्नमेंट में, जो भी चीजें करी, उसको जो है केवल सिन्हालास के लिए रखा. ठीक है, और ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तब हो गया जब 1956 में एक एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया, जिस एक्ट ने कहा कि सिन्हाला जो है, सिन्हालीज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए. ठीक है, सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए और सारे लोग जो है बुद्धिज्म को फॉलो और प्रोटेक्ट करें, उसको प्रैक्टिस करें और उसकी उसको प्रोटेक्ट करें. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, yes. अब ऐसा इसलिए था क्योंकि जो सिन्हालीज थे वो बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे, उनके लिए जो धर्म था वो बुद्धिज्म था. ठीक है, तो अब भाई ये जब इन्होंने 1956 में ये एक्ट निकाला तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या करा, जो तमिल्स थे, स्पेशली जो श्रीलंकन तमिल्स थे, इनको कहीं ना कहीं जो है दर्द पहुंचाया, चोट पहुंचाया, इनको जो है कहीं ना कहीं एनॉय करा, गुस्सा करवाया इनको. क्यों? क्योंकि भाई जब आप सब चीजें, सारी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज जो उन्होंने बनाई वो सिन्हालास के लिए बनाई, सब जगह पे, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो पढ़ाई हो, हर जगह पे सिन्हालास जो एप्लीकेंट्स थे, सिन्हालास को प्रेफरेंस दिया गया, कहा कि पहले सिन्हालास को मिलेगा, उसके बाद अगर बचता है तो किसी और को मिलेगा. तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, ये तो बहुत गलत बात है, भाई हम इस कंट्री के हैं, हम ये हमारी ओरिजिनली हमारी कंट्री है, तो भाई ऐसा कैसे आप कर सकते हो कि हमें जो है इस कंट्री का पार्ट नहीं रखोगे, हमें इन पॉलिसीज में शामिल नहीं करोगे. तो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो डिसकंटेंटमेंट था अमंग द श्रीलंकन तमिल्स, ये बहुत बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया, और बढ़ने इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक ऐसा फेज आया कि श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब हमें जो है एक सेपरेट स्टेट चाहिए. ठीक है,
आपने प्रभाकरण के बारे में सुना है बेटा? प्रभाकरण? नो मैम. हाँ मैम, I heard the name. Yes, yes, Parth, tell, tell what have you heard? Tell. Mam, he was, I think, a leader of something. Yes, some association. LTTE, Liberation. Yes, I know. Tamil Liberation Tiger. Tamil Elam. एलम का मतलब होता है स्टेट. उन्होंने कहा, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई प्रभाकरण ने एज अ हेड, उसको नाम दिया लिट्टे. हिंदी में इसको लिट्टे बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में इसको लिट्टे बोला जाता है, LTTE, इसको हिंदी में लिट्टे बुलाया जाता है. प्रभाकरण इसका हेड था. अब हुआ क्या, इस श्रीलंका में क्योंकि पावर शेयरिंग बराबर के उसपे नहीं थी, तो क्या हुआ, लोगों ने अपना डिसकंटेंटमेंट, अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू करा. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब इन लोगों को, ये जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो इन लोगों को कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराई गई, तो अल्टीमेटली इनका गुस्सा होना जायज था, गुस्सा बाहर निकलना जायज था. और इन्होंने क्या करना शुरू करा, जो कंट्री का जो ईस्टर्न पार्ट था वहां पे देवर कंसंट्रेटेड, है ना, बहुत ज्यादा इनका कंसंट्रेशन था. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई लेट मी शेयर द मैप विद यू. एक मिनट, हम आपसे मैप शेयर करते हैं तो आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है. मैम, ऑन विच पार्ट द कंसंट्रेशन इज मोर? अभी वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं बेटा, चिंता मत करो. देखो, आई होप यू कैन सी द मैप. कैन यू सी द मैप? यस मैम. अब ये देखो, ये मैप बताता है कि ये जो येलो पोर्शन है ना, ये वाला, ये यहाँ पे सारे के सारे सिन्हालाज थे, ठीक है. ये जो ऑरेंज पोर्शन है, ईस्टर्न पार्ट, ये सारे के सारे श्रीलंकन तमिल्स थे यहाँ पे. ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि जब हम ऑलरेडी एक ही तरफ, एक ही एरिया में कंसंट्रेटेड हैं, तो आप हमें जो है एक सेपरेट स्टेट, हमारी अलग कंट्री बना दो, हमें आपका पार्ट नहीं रहना है, ठीक है. तो इसी जित्तोजहद में क्या हुआ बेटा, कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे और जो सिन्हाला, जो गवर्नमेंट थी, उनके बीच में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो गई. सिविल वॉर क्या होती है, जब जब कंट्री के सिविल सिविलियंस जो है जब आपस में लड़ते हैं, तो उसको कहते हैं सिविल वॉर, ठीक है. और ये क्लियर हुआ? yes. ठीक है. अब वो ये कह रहा है, देखो ऑल दीज, अब ठीक है, ये मैप आपको क्लियर हो गया अच्छे से. ये जो ब्राउन पार्ट है, ये है आपका इंडियन तमिल्स का, ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर नो. अच्छा, ये एथनिक कम्युनिटी वॉर इज बिटवीन सिन्हालाज एंड श्रीलंकन तमिल्स. यस, इट वाज बिटवीन सिन्हालाज एंड श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है. चलिए अब हम आते हैं अपने इसी के ऊपर वापस. अब ये जो प्रभाकरण थे, प्रभाकरण ने एलटीटी फॉर्म करा. एलटीटी फॉर्म करने के बाद इन्होंने जो है अपनी जिद्दोजहद, अपनी लड़ाई शुरू करी अगेंस्ट द गवर्नमेंट. कहा हमें जो है एक अलग स्टेट बना के दीजिए, अलग कंट्री बना के दीजिए, हम नहीं जानते. और जिसकी वजह से क्या हुआ कि सिविल वॉर जो है कंट्री में छिड़ गई. अब ये सिविल वॉर छिड़ने की वजह से क्या हुआ कि भाई जब इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना विद इन द कंट्री, तो वो कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ को रोक देते हैं. भाई सीधी सी बात है, जितना भी कंट्री का रिसोर्स है, सारा का सारा किस चीज में लग जाएगा, इस वॉर को खत्म करने में लग जाएगा या से रोकने में लग जाएगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आप भूल ही जाओ. पर अगर आप देखो 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, 1947 में हमारी कंट्री आजाद हुई, तो आजादी, इनकी आजादी जो थी इंडिया ने फिर भी काफी लेट जो है डेवलप करा, बजाय श्रीलंका के. श्रीलंका ने बहुत जल्दी, अगर आप अभी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे डेवलपमेंट चैप्टर में, कि किस तरीके से श्रीलंका का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तरक्की करा हुआ है. बट हमारे
Now Your am I clear? Voice is breaking. Now am I clear? Now is it fine? No. No, ma'am. अभी भी नहीं आ रही है आवाज. हमें तो आप लोग की आवाज एकदम क्लियर आ रही है बेटा. Yes, ma'am. चलो ठीक है ठीक है, then it is fine. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अब जो है हम स्विच करते हैं चैप्टर पे. अब आप ये समझ में आ गया श्रीलंका का आराम से, एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका मैप के थ्रू समझ में आ गया. यस मैम. चलिए अब आप आ जाओ बेल्जियम पे. देखो ये जो बेल्जियम है, चलिए ये मैप क्लियर है, ये बेल्जियम है बेटा. ठीक है, और ये जो ऑरेंज पोर्शन है ये आपका ब्रुसेल्स है, कैपिटल सिटी है. क्लियर दिख रहा है सबको? यस मैम. इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं. ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो येलो पोर्शन है ये है आपका फ्लेमिश रीजन. फ्लेमिश रीजन में कौन रहता है? डच. ठीक है, डच रहते हैं. डच की कितनी परसेंटेज है? हमने कितनी बताई थी कल डच की परसेंटेज? हाँ, 54% बताई थी. बेटा डच की 59% Yes, हाँ, 59%. ठीक है, ठीक है. दूसरा जो था, ये जो रेड पोर्शन है ये आपका वलोनिया है. वलोनिया में कौन रहता है? आपके फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं. ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं. और फ्रेंच कितने परसेंट में थे? फ्रेंच कितने परसेंट में थे? 40% में. ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है रेड में, ये आपके जर्मन्स, ये आपके जर्मन्स हैं. यहाँ पे जर्मन्स वर जस्ट 1%. ठीक है, ठीक है. ओके मैम. यस मैम. अब कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ये जो ये वाला जो एरिया है, ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है जिसको कि हम कैपिटल सिटी बोलते हैं, यहाँ पे कंडीशन बड़ी वाइस वर्सा थी. कंडीशन क्या थी? यहाँ पे जो ये फ्रेंच थे ये थे आपके 80% में, और डच जो थे यहाँ पे ये थे आपके केवल 20% में. ठीक है, ठीक है. अब लड़ाई क्या थी बेटा? लड़ाई ये थी, लड़ाई ये थी कि डच ने जो ये वेलोनिया रीजन में जो फ्रेंच कंसंट्रेशन था, ये भले ही नंबर कम था इनका, पर ये थोड़े अमीर लोग थे, इनका रिसोर्सेस पे एसेस जो था बहुत अच्छा था, स्ट्रांग था. तो इस वजह से क्या हुआ कि भाई यहाँ पे भी कैपिटल जो कंट्री थी, पूरे कंट्री में जो है फ्रेंच वालों के पास सब कुछ हर चीज पे एसेस था. ठीक है, और जो डच थे उनके वो हमेशा क्या होता था, चीजों से वो वंचित रह जाते थे, उनको चीजें मिलती नहीं थी, रिसोर्सेज उनको मिल ही नहीं पाते थे अपने डेवलपमेंट के लिए. तो उन्हें लगा कि भाई जब पूरे कंट्री में, जबकि ये कम नंबर में है तो ये इतना ग्रो कर रहे हैं, और ये ब्रुसेल्स में 80% में है तो ये कितना ग्रो करेंगे, सारी पावर तो ये लोग अपने हाथ में ले लेंगे. तो लड़ाई बेसिकली ये थी कि डच जो थे बाय द ईयर 1960 तक जो है बहुत ज्यादा इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा. जब गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा तो उन्होंने क्या करा, मैंने आपको बताया था, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा ताकि ये जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द यू नो परसेंटेजेस ऑफ द कम्युनिटीज वो खत्म हो जाए. तो एक बार करा कुछ बात नहीं बन पाई, दूसरी बार करा तो बा कुछ बात नहीं बन पाई, जब थर्ड टाइम करा तो फाइनली ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई ये आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, और साथ ही में एक तीसरी तरीके की गवर्नमेंट होगी जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बुलाएंगे. कौन सी गवर्नमेंट बुलाएंगे? कम्युनिटी गवर्नमेंट. दांत वंशराज हिमांशु बेटा, कैमराज आर ऑफ. अमन आदर्श, आई होप दिस मच इज क्लियर नाउ. हिमांशु ओपन योर कैमरा बेटा. ठीक है, तीन बार अमेंडमेंट हुआ बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और अल्टीमेटली एक कम्युनिटी गवर्नमेंट आई जो कि
जितनी भी तीन कम्युनिटीज रहती थी उन सबके एजुकेशन, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सबको सेफगार्ड करने के लिए आई और सब अपने अपनी तरफ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव हर कम्युनिटी का इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में होगा। तो उससे क्या होगा, कोई जो है एक्सट्रीम पावर जो है एक्सेसिव पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा और सबको जो है इक्वल पावर मिलेगी। इतना क्लियर हो गया ये? यस मैम। ठीक है, यस मैम। आई होप इतना ये चीज बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। यस मैम। चलिए, आई डू यू पीपल हैव बुक्स विद यू? यस मैम। Let us start from the reading, right? Yes, ma'am. Chaliye. So, let us have Vanshraj only reading. Vanshraj, read, beta. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, from the beginning? Yes, from the beginning. Belgium and Sri Lanka. Okay, Belgium is a small country. Carry on. Beta, carry on. It's a small country in Europe. Smaller in area than the state of Haryana. It has borders with France and the Netherlands, Germany and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore. About half the population of Haryana. Ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city, Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. The minority's French speaking community was relatively rich and powerful. These were resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led to the tensions between the Dutch-speaking and the French-speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. ओके okay, यहां तक कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को ना समझ में आई हो हमें समझाने की जरूरत हो क्लास? नो मैम। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका एथनिक कंपोजिशन याद करना है इस कंट्री का। कंट्री में क्या था, वेलोनिया फ्लेमिश रीजन में कौन कौन रहता था और 80% और 20% की जो कम्युनिटी का सेग्रीगेशन था वो किस जगह पे था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, तो उसमें आप बताओगे। फिर कई बार ये भी पूछा जाता है कि भाई फ्लेमिश रीजन में कौन रहता था, वलोनिया रीजन में कौन रहता था, जर्मन्स की कितनी परसेंटेज थी। फिर ओके, कैरी ऑन बेटा। Read, beta, read. Vanshraj. Yeah, okay, ma'am. Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation, just a few kilometers off the southern coast of the Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speaker 74% and the Tamil speaker 18%. Among Tamils, there are two subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, 13%. The rest, whose forefather came from Indian as plantation workers during the
बेटा पढ़ो बेटा वंशराज. अच्छा ही गॉट आउट ऑफ द मीटिंग. चलो आदर्श यस मैम. हाँ यस वंशराज आर यू देयर. कॉल माय नेम. Yes, I called you. I thought Vanshaj is not there. So you read. I think he's not connected to audio. So you read from where he left. Can you share the screen? Okay. Oh, just a second. Just a second. Huh? Sharing in a second. Huh? Okay, can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Chali. Read beta. Read from the beginning. Read from here. Sri Lanka has a diverse. Sri Lanka has a diverse population. From here you read. Adarsh. Okay, ma'am. Lanka is an island nation just a few kilometers of southern coast. Tamil Nadu, it has about 2 crore people. About the same in Haryana. Like other nation in South Asia region, Sri Lanka has diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers 74% and the Tamil speakers 74%. And the Tamil speakers 18%. Among Tamil, there are two subgroups, Tamil natives of the country. Padho. Ma'am, can you scroll? Scrolling up. Yes. Read. Ma'am, it is not showing. Ma'am, your voice is not coming on. Yes, ma'am. Ma'am. Yes. Okay. Ma'am, my screen isn't moving. Ab aa gayi hai, dekho. Ma'am, it is showing but not moving. Now it is showing, I think, clearly. Our call Sri Lankan Tamils. Yes, ma'am. हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा. Ma'am, can you wait for 1 minute, ma'am? In my phone it is not moving. Ma'am, can I take the book? हाँ हाँ ले लो. या चलो को रहने दो. चलो ख्याति को पढ़ लेने दो. ख्याति को पढ़ लेने दो. आदर्श ली ma'am. ख्याति you read बेटा. ख्याति ख्याति are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, from where? Kabhi kaha bole rahe. Ma'am, from where I should be? Our call, the first line which is showing on the screen, from here. Ma'am, 1 minute. मैम मैरिड. चलो उसको पढ़ लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिल गया ख्याति. यस मैम. आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स. द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप
Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus and Muslims. There are about 7% Christians who are both Tamils and Sinhalas. Okay, read. Yes, ma'am. चलिए ऐसी कोई चीज जो आप लोगों को यहां तक समझ में ना आई हो बेल्जियम और श्रीलंका को लेकर बेटा? नो बहुत अच्छे से क्लियर है? यस मैम. ठीक है ठीक है. तो अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हमारी उसमें पहले हम रिकैप्चुलेट करेंगे और उसके बाद जो है हम फर्दर आगे बढ़ेंगे. ठीक है ठीक है बेटा. ओके हाँ चलिए तो जल्दी से एक फ्लो चार्ट दे दें आपको बनाने के लिए. ओके चलो लेट अस स्टार्ट. कैन आई गेट माय कॉपी? यस यस यू कैन गेट योर नोटबुक. चलिए फ्लो चार्ट वन. मैम विच कॉपी वी हैव टू मेड फॉर सेवन? बोथ साइड रूल्ड. Ethnic composition of Up till here, clear to everyone? Doing it? Yes. Fine. Yes, ma'am.